हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक है यूनिट हॉट स्टार्टअप। यूनिट हॉट स्टार्टअप हम कैसे डिसाइड करेंगे यूनिट का हॉट स्टार्टअप है, वार्म स्टार्टअप है या कोल्ड स्टार्टअप है। तो इसके लिए हम टर्बाइन का शाफ्ट टेम्परेचर देखते हैं। एचपी टर्बाइन का शाफ्ट टेम्परेचर अगर लेस देन 250 डिग्री है तो यूनिट का कोल्ड स्टार्टअप है। अगर 250 डिग्री टू 350 डिग्री है तो यूनिट का स्टार्टअप वार्म स्टार्टअप है। अगर 350 है तो उस केस में हम कंसिडर करते हैं कि यूनिट का हॉट स्टार्टअप है। चलिए हम बात करते हैं आज यूनिट का हॉट स्टार्टअप का। तो क्या प्रोसेसर रहेगा यूनिट हॉट स्टार्टअप का? फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉयलर हॉट स्टार्टअप प्रोसेस, बॉयलर साइड में हमारी क्या एक्टिविटी होंगी हॉट स्टार्टअप करने के लिए। तो स्टार्ट MDBFP एंड मेंटेन ड्रम लेवल प्लस 100 mm। एक्चुअली नॉर्मल लेवल तो होता है 0 mm, लेकिन हम इसको प्लस 100 mm तक लेकर जाएंगे। हो सकता है कि हमने ऑक्सिलरी पावर सेव करने के लिए जो BCW पंप है, बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप, उसको बंद कर दिया हो, और जब भी हम MDBFP चलाते हैं नॉर्मल लेवल तक बॉयलर ड्रम में फीड करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम BCW स्टार्ट करते हैं तो BCW जो ड्रम से सक्शन लेता है और रिंग हेडर के थ्रू हमारा वाटर वॉल को वाटर को फीड करता है सर्कुलेट करने के लिए, बॉयलर में सर्कुलेट करने के लिए। तो इसलिए हम 100 mm में तक ड्रम लेवल फीड करेंगे। देन सेकेंड पॉइंट है, एनश्योर टू नंबर्स ऑफ BCW पंप्स आर रनिंग। ठीक है, अगर इसमें एक BCW पंप पे रन कर रहा है तो हम सेकेंड BCW पंप को स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट टू BCW पंप सर्विस में होना चाहिए। अब देन स्टार्ट ID फैन, ये स्टार्ट ID फैन एंड FD फैन, ये पॉइंट नंबर थर्ड उस केस के लिए है जब हमने यूनिट को हॉट बॉक्सअप कर दिया है। अदरवाइज क्या होगा, जब हमारा बॉयलर जैसे ट्रिप होता है, अगर ID और FD के का जो केस है, बहुत ID फैन ट्रिप या बहुत FD फैन ट्रिप, अगर उस केस में हमारा बॉयलर ट्रिप नहीं हुआ है तो ये ID फैन और FD फैन कंटिन्यू चलता रहता है। हमने केस ले लिया है कि हॉट वर्कशॉप रहा होगा तो उस समय उसमें हमने ID फैन और FD फैन को स्टार्ट कर दिया। अब एयर फ्लो को मेंटेन करेंगे 30-40%। जब भी हम ID फैन को लोड इंक्रीज करेंगे, मींस अगर हमारा VFD कंट्रोल है तो VFD पोजीशन से लोड इंक्रीज करेंगे, या फिर हमारा डैम्पर कंट्रोल है, स्मॉल जो यूनिट्स होते हैं वहाँ पर डैम्पर कंट्रोल होता है, तो अगर हमारा जो ID फैन है वो VFD कंट्रोल है तो VFD की पोजीशन को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। बट हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हम कंटिन्यू मॉनिटर करना है कि फर्नेस ड्राफ्ट एक लिमिट में रहे, और FD फैन है जो FD फैन है वो ब्लेड पिच कंट्रोल होता है। जब ब्लेड पिच हम इंक्रीज करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि फर्नेस किसी भी केस में पॉजिटिव नहीं जाना चाहिए, और एयर फ्लो को लेकर आएंगे 30-40%। ये 600 MW यूनिट में 30-40% में 680 और 700 टन पर आवर इतना एयर रखते हैं बिफोर बॉयलर को पर्ज करने के लिए। अब देखेंगे चेक ऑल पर्ज परमिशन्स आर अवेलेबल। पर्ज किसी भी तरीके से हम फ्यूल को एंटर ना करें, जैसे ऑल फीडर ऑफ, ऑल कोल पल्वराइजर ऑफ, हॉट एयर, ऑल हॉट एयर गेट ऑफ, LOTV क्लोज, HOTV क्लोज। तो इस तरह से जो कंडीशंस हैं, इन सभी कंडीशंस को पर्ज परमिशन में लिया गया है, तो ये पर्ज परमिशन अवेलेबल होना चाहिए। देन हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट पर्जिंग द बॉयलर फॉर 9 मिनट। जब हम बॉयलर को पर्ज करना स्टार्ट करेंगे तो ये 9 मिनट तक, 540 सेकेंड तक ये कंटिन्यू बॉयलर पर्ज होगा। जब बॉयलर पर्ज होता है तो हम मॉनिटर करेंगे कि हमारे सभी जो SADC है वो मॉड्यूलेटिंग होना चाहिए, 100% तक ओपन होगा, जिससे जो भी अनबर्नट मटेरियल है कोल नोजल में या ऑयल गन के टिप पर, उन सभी को रिमूव कर देगा, फोर्स आउट कर देगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बॉयलर पर्ज, जब बॉयलर का पर्जिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ओपन करेंगे LOTV को। LOTV क्या है? लाइट ऑयल ट्रिप वॉल्व, और LOFCV लाइट ऑयल फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो इन दोनों को ओपन करेंगे। LDO प्रेशर, मेंटेन LDO प्रेशर एट फायरिंग फ्लो 12-14 kg। अभी वॉल्व को रेगुलेट करेंगे LOFCV को, और प्रेशर मेंटेन करेंगे हम 12-14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अभी बॉयलर को हम लाइट अप कर सकते हैं। बॉयलर लाइट अप करेंगे CD एलिवेशन या हमारा जो AB एलिवेशन है उसमें दो गन सर्विस में लेंगे। मोस्ट प्रेफरेबली हम CD एलिवेशन में गन सर्विस में लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन स्टीम का टेम्परेचर है वो मेन कंसर्न है, टेम्परेचर को हमको लेकर आना है सो दैट हम टर्बाइन का रोलिंग स्टार्ट कर सकें। तो गन CD एलिवेशन में लेंगे। इफ बॉयलर ड्रम प्रेशर इज मोर देन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, होता क्या है कि जब हमने बॉयलर को हॉट बॉक्सअप किया है तो उस केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में,
जो बॉयलर का ड्रम प्रेशर है वो अबव 5 kg/cm² होगा, तो अब हम क्या करेंगे, एमएस लाइन को चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एमएस लाइन को चार्ज करने से पहले एंश्योर एमएस लाइन ड्रेन एंड पीआरडीएस लाइन ड्रेन मस्ट बी इन ओपन कंडीशन। मेन स्ट्रीम का ड्रेन वॉल्व ओपन होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, लाइन में हैमरिंग होगा। जब हमारा गर्म स्टीम जो ठंडे कंडेंसेट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उससे क्या होगा, हैमरिंग होगा, लाइन हैमर करेगा, हमारे सपोर्ट को डैमेज कर सकता है, लाइन को डैमेज कर सकता है। तो हमको बिफोर लाइन चार्जिंग ड्रेन को ओपन कर लेना है। स्टार्ट एपीएस सूट ब्लोइंग बाय एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी हम ऑयल फायरिंग को सर्विस में रखते हैं तो एपीएच का सूट ब्लोइंग हमको कंटिन्यू करना है। जब तक हमारा स्टीम अवेलेबल नहीं है उस केस में हम एपीएच का जो सूट ब्लोइंग है वो एयर से करेंगे, और जब भी हमारा स्टीम जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा, पीआरडीएस चार्ज हो जाएगा, उसके बाद हम एपीएच का सूट ब्लोइंग स्टीम से करेंगे। ये पॉइंट इसलिए कंसर्न है क्योंकि जो अगर किसी भी केस में जो एलडीओ ऑयल है, लाइट डीजल ऑयल है, एपीएच में अगर वहाँ कैरी ओवर करता है, उधर जाके फॉल करता है, तो उसमें सेकेंडरी कम्बस बॉयलर में हमको एलडीओ का प्रेशर इस तरह से मेंटेन करना है सो दैट हमारा जो बॉयलर का ड्रम मेटल टेम्परेचर है उसका टॉप बॉटम में मोर देन 50°C का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कंट्रोल एलडीओ फायरिंग सो दैट ड्रम मेटल टॉप बॉटम डिफरेंस लेस देन 50°। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज़ अगर हमारा जो बॉयलर ड्रम है उसमें मेटल का टेम्परेचर डिफरेंस अगर मोर देन 50 आ रहा है या 50 की तरफ जा रहा है, तो उसमें हम गन चेंज ओवर करेंगे। सपोज़ 1 और 3 हमारा कॉर्नर सर्विस में है तो कॉर्नर 2 और 4 को लेंगे, या ट्राई करेंगे अगर हमारा CD एलिवेशन में कॉर्नर 1 और 3 सर्विस में है तो AB एलिवेशन में कॉर्नर नंबर 2 और 4 को सर्विस में रखेंगे, सो दैट हमारा चारों गन सर्विस में रहेगा एट अ वन टाइम। तो यूनिफॉर्म हीटिंग होगा और ड्रम मेटल टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनश्योर टेम्परेचर रेट ऑफ सुपर हीटर रीहीटर मेटल टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन 10°/min। जो सुपर हीटर और रीहीटर का मेटल टेम्परेचर है उसका राइज रेट लेस देन 10° होना चाहिए। चेक थ्रू ऑयल कैरी ओवर प्रोब द कंडीशन ऑफ APH। APH में हम ऑयल कैरी ओवर प्रोब को चेक करेंगे कि जो हमारा एलडीओ फायर हो रहा है वो उसका कंबसन परफेक्ट कंबसन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये प्योर कंबसन परफेक्ट नहीं होगा तो ऑयल कैरी ओवर होकर जाएगा, APH साइड जाएगा और वहाँ पर ऑयल कैरी ओवर प्रोब में ये ट्रेस हो जाएगा। फ्लू गैस की कंडीशन को भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं व्यू ग्लास से। टेक 2 another गन इन AB एलिवेशन, अभी AB एलिवेशन में हम 2 और गन सर्विस में लेंगे। कीप HP LP डोजिंग सिस्टम रेडी। LP डोजिंग को तो हम सर्विस में रखेंगे और HP डोजिंग को हम रेडी करके रखेंगे, उसका जो डोजिंग पंप है पावर सप्लाई ऑन हो, वॉल्व वगैरह ओपन हो, टैंक में सफिशियंट लेवल हो और केमिकल डोजिंग हो चुका हो। ओपन MS लाइन बाईपास वॉल्व आफ्टर दैट MS लाइन मेन वॉल्व। अब मेन स्टीम लाइन का जो बाईपास वॉल्व है उसको हम ओपन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक मेन स्टीम लाइन का जो बाईपास वाल्व है या प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व है उसको ओपन करने के बाद ही हमको मेन स्टीम लाइन का मेन वाल्व ओपन करना है। अदरवाइज क्या होगा, या तो हमारा वाल्व का जो मोटर है वो ओवरलोड में ट्रिप हो जाएगा, या कुछ एक केस में ये भी सामने आया है प्रॉब्लम कि कंट्रोल सर्किट जो है वो बर्न हो जाता है या मोटर बर्न हो जाता है। तो हमको ध्यान रखना है प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व को पहले ओपन करना है, देन हमको मेन स्टीम स्टॉप वाल्व को ओपन करना है। ये हमेशा इसी तरह से करना है। प्रेशर इक्वलाइजिंग क्या करेगा, बिफोर एंड आफ्टर में प्रेशर को इक्वलाइज कर देगा तो वॉल्व का जो लोड है वो कम हो जाएगा, वॉल्व इजीली ओपन हो जाएगा। आफ्टर MS टेम्परेचर स्टार्टिंग इंक्रीजिंग क्लोज सुपर हीटर हेड ड्रेन वॉल्व। जब हमारा एक बार मेन स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद हम सुपर हीटर का जो लाइन ड्रेन है, मेन स्टीम लाइन ड्रेन है, उनको क्लोज कर सकते हैं। स्लोली चार्ज APRDS, यहाँ पर सुपर हीटर हेडर के ड्रेन को क्लोज कर सकते हैं। जब एक बार टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा तो सुपर हीटर के हेडर ड्रेन क्लोज कर सकते हैं। स्लोली चार्ज APRDS फ्रॉम मेन स्टीम लाइन। अभी हम जो STPRDS है APRDS उसको मेन स्टीम लाइन से चार्ज करना स्टार्ट करेंगे और प्रेशर इसका इंक्रीज करेगा। मे भी हो सकता है टेम्परेचर अगर 320° की रेंज में अगर अचीव नहीं हो रहा है तो हो सकता है ये 250-260° रहे, तब तक हम इसके STPRDS के APRDS के ड्रेन ओपन कर रखेंगे। एक्चुअली इसको APRDS और STPRDS में दो वर्ड का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं कहीं पर दो PRDS होते हैं, एक होता है STPRDS और दूसरा होता है LTPRDS।
एचटी पीआरडीएस मींस हाई टेंपरेचर पीआरडीएस और एलटी पीआरडीएस मींस लो टेंपरेचर पीआरडीएस। तो हाई टेंपरेचर 320 डिग्री के आसपास जब टेंपरेचर रहता है तो ये मेन जो ए पीआरडीएस है एचटी पीआरडीएस उसमें स्टीम होता है, और जब एचटी पीआरडीएस से एलटी पीआरडीएस के लिए जाता है स्प्रे करके हम उसके टेंपरेचर को कंट्रोल कर 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलटी पीआरडीएस। चलिए मेंटेन ए पीआरडीएस प्रेशर 11 kg टेंपरेचर 320 डिग्री। नाउ चार्ज एलटी पीआरडीएस एंड स्टार्ट एपीएस सुब्लोइंग बाय स्टीम। अब हम एलटी पीआरडीएस को चार्ज करेंगे और इसका टेंपरेचर को 210 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेंगे। जो हमारा पहले एपीएच का सुब्लोइंग एयर से चल रहा था अब उसका हम चेंज ओवर कर देंगे और स्टीम से हम स्टीम सोर्स को लाइन अप कर देंगे एलटी पीआरडीएस से, जिससे हमारा एपीएच का सुब्लोइंग स्टीम से। नाउ वार्म अप मेन टर्बाइन एंड टीडीबीएफपी सील स्टीम हेडर। स्टार्ट एनी जीएससी फैन एंड देन आफ्टर चार्जिंग अप मेन टर्बाइन एंड टीडीबीएफपी ग्लैंड सीलिंग स्टार्ट वैक्यूम पुलिंग। वैक्यूम पुलिंग स्टार्ट करेंगे तो वैक्यूम पुलिंग स्टार्ट करने के पहले हम एक वैक्यूम पंप स्टार्ट करेंगे। वैक्यूम पंप स्टार्ट करने के बाद में देखेंगे कि हमारा जो कंडेंसर वैक्यूम है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इम्प्रूवमेंट आएगा देन मेंटेन मेन टर्बाइन ग्लैंड सीलिंग हेडर 320 टू 350 mmwc। ये 600 मेगावाट यूनिट के लिए 320 से 350 mmwc है आपका जो भी यूनिट है, और ग्लैंड स्टीम का जो प्रेशर आप मेंटेन करते हैं जो OEM ने रिकमेंड किया है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है। चार्ज डीरेटर इनिशियल हीटिंग फ्रॉम APIDS। अभी हम APIDS से जो डीरेटर का इनिशियल हीटिंग है उसको चार्ज कर देंगे। व्हेन कंडेंसर वैक्यूम रीच 0.55 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जब कंडेंसर का प्रेशर 0.55 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अचीव कर लेंगे। नाउ स्टार्ट HPLP बाईपास चार्जिंग, एनश्योर LP बाईपास एंड इट्स वार्म अप लाइन ड्रेन्स आर ओपन। LP बाईपास का और उसके वार्म अप लाइन का ड्रेन ओपन होना चाहिए। चेक CRS टू डीरेटर स्टीम लाइन ड्रेन्स आर ओपन। जो डीरेटर के एक्सट्रैक्शन के लिए लाइन है उसके ड्रेन्स को हमको ओपन करना है। क्यों ओपन करना है? CRH एक्चुअली अभी क्या होगा, जब हम HPLP बाईपास चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा वार्म अप लाइन का जरूरत पड़ेगा, CRH लाइन चार्ज होगा। तो CRH लाइन से जो कनेक्टेड है डीरेटर के लिए एक्सट्रैक्शन लाइन उसके ड्रेन्स भी ओपन होना चाहिए, अदरवाइज हैमरिंग होगा। ओपन HP बाईपास वार्म अप लाइन ड्रेन्स ओपन, HP बाईपास के वार्म अप लाइन के ड्रेन ओपन करना है। स्टार्ट सेकेंड CP एंड पुट थर्ड CP इन ऑटो। यहाँ पर हमको सेकेंड CP को स्टार्ट कर लेना है और थर्ड CP को ऑटो में रखना है, क्योंकि जब हम LP बाईपास चार्ज करेंगे तो CP से जो कंडेंसेट का लाइन है उसके स्प्रे के लिए उसका जरूरत पड़ेगा। अगर ये हम सेकेंड CP नहीं चलाएंगे और थर्ड CP को ऑटो में नहीं रखेंगे तो उस केस में हो सकता है कि हमारा CP लो प्रेशर में ट्रिप हो जाएगा और LP बाईपास का भी हमारा जो LP बाईपास का LP टर्बाइन में एग्जॉस्ट हुड के लिए जो स्प्रे है उस स्प्रे नहीं जाएगा तो हमारा टर्बाइन भी ट्रिप हो सकता है। CRH टू TDBFP स्टीम लाइन ड्रेन्स आर ओपन। CRH का जो स्टीम सोर्स है TDBFP के लिए इसके ड्रेन को ओपन कर रखना है। मेंटेन कंडेंसर प्रेशर लेस देन 0.55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रेशर इतना रखना है। अगर हमारा एक CW पंप चल रहा है तो दोनों CW पंप को स्टार्ट कर लेंगे सो दैट जब हम टर्बाइन को रोल करेंगे या लोड को इंक्रीज करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। नाउ चार्ज HP बाईपास एंड LP बाईपास वार्म अप लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वार्म अप लाइन को चार्ज करना है, मेन लाइन को चार्ज नहीं करना है। क्या इंपॉर्टेंस है वार्म अप लाइन का? सपोज जो हमारा MS लाइन है MS लाइन से HP बाईपास डंप करता है स्टीम को CRH लाइन में HT टर्बाइन को बाईपास करके, अगर हम सीधा HP बाईपास ओपन कर देंगे तो CRH लाइन का टेम्परेचर तो बहुत कम है और जो MS लाइन है उसका टेम्परेचर हमारा 330-340 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में आ गया है। तो ये मटेरियल कंस्ट्रेंट हो सकता है, मटेरियल में थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप कर सकता है। तो हमको पहले वार्म अप लाइन को चार्ज करना है, स्टीम में टेम्परेचर को धीरे धीरे चार्ज करना है स्टीम को और मेटल का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करना है। आफ्टर वार्म अप चार्ज HP बाईपास LP बाईपास मेन लाइन। जब वार्म अप लाइन से वार्म अप हो जाएगा डाउन स्टीम का टेम्परेचर सफिशियंट आ जाएगा HP बाईपास का तो हम मेन HP बाईपास और LP बाईपास चार्ज करेंगे। मेंटेन HRH प्रेशर 6-8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
अभी एचआरएच का जो प्रेशर है वो 6 to 8 केजी हम मेंटेन करेंगे। इफ सेकेंडरी एयर एपीएच आउटलेट टेम्परेचर मोर देन 170 डिग्री स्टार्ट पीएफएन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारा एपीएच में सेकेंडरी एयर का आउटलेट टेम्परेचर 170 से अबव आएगा उसके बाद हम पीएफएन स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करिए, हम देख रहे हैं टेम्परेचर सेकेंडरी ईयर का बट स्टार्ट कर रहे हैं पीएफएन को, तो ये ऐसा क्यों है? एक्चुअली जब तक हमारा पीएफएन नहीं चलेगा तो पीएफएन का जो एयर एपीएस से होकर जाएगा उसका क्या टेम्परेचर हमको मिलेगा वी कैन नॉट से, बट एफडी फैन हमारा चल रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी ईयर आउटलेट टेम्परेचर हम ये प्रिडिक्ट कर देते हैं, हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो पीएफएन स्टार्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी इसी रेंज में आ जाएगा। सो दैट जो पीएफएन का एयर है आफ्टर एपीएच कोल को ड्राई कर सकता है मिल में, और अभी हम फर्स्ट मिल को सर्विस में ले सकते हैं, स्टार्ट फर्स्ट मिल को अभी चेक बिफोर टर्बाइन हॉट रोलिंग। एमएस प्रेशर 60 to 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और जो एमएस का टेम्परेचर है 450 to 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको मेंटेन करेंगे। रिहीटर का प्रेशर 6 to 8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और रिहीटर का जो टेम्परेचर है एचआरएस टेम्परेचर 400 to 420 डिग्री सेंटीग्रेड। टेक क्लियरेंस फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एक्चुअली जो बॉयलर ड्रम सिलिका है और मैन स्टीम का सिलिका है इसको चेक करेगा। अदर पैरामीटर जो फीड वाटर पीएच, बॉयलर ड्रम पीएच, ड्रम बॉयलर ड्रम वाटर का पीएच, इन सभी चीज़ों को चेक करेगा, कंडक्टिविटी वगैरह। लेकिन इसमें मेन जो है वो मेन स्टीम और बॉयलर ड्रम सिलिका है, और अगर ये पैरामीटर आउट ऑफ लिमिट है, उसमें कुछ पॉसिबिलिटी लग रहा है कि कंटिन्यू डाउन कर रहा है, तो हो सकता है कि हमको डीएम प्लांट क्लियरेंस दे दे और उसके साथ में हमारा हॉट जो ब्लो डाउन है उसको हम देते रहें जिससे हमारा सिलिका कंट्रोल हो जाए। नाउ पीआर मैक्स सेट पॉइंट। ये सेट पॉइंट जो है पीआर मैक्स ये ईएसटीसी में प्रोवाइड किया जाता है, जो मैक्सिमम लोड कहाँ तक जाएगा उसको 100 मेगावाट का सेट पॉइंट देकर रखते हैं, और जैसे हमारा 70 मेगावाट 80 मेगावाट आ जाता है आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन हम इसको चेंज कर देते हैं, ये 620 मेगावाट प्रोवाइड कर देते हैं। चेक ऑल एसएलसी सब लूप कंट्रोल टर्बाइन साइड में, जैसे सील ऑयल सिस्टम, ल्यूब ऑयल सिस्टम, बारिंग गियर, एओपी, ईओपी, इन सभी के जो एसएलसी हैं उनको ऑन करके रखते हैं जिससे ऑटो पिकअप हो सके। एनश्योर टर्बाइन ऑयल टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व, एचपीसीएफ टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व, जितने भी हमारे टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व हैं इनको ऑटो में रखना है, और सेट पॉइंट सपोज जो हमारा मेन टर्बाइन है उसका ऑयल टेम्परेचर का सेट पॉइंट 45 डिग्री, इसी तरह से सील ऑयल जो एचपीसीएफ है उसका टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व को ऑटो में रखना है। हाइड्रोजन कूलर एंड जनरेटर एक्साइटर कूलर, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कभी हम रोल करने के लिए जा रहे हैं टर्बाइन रोलिंग के लिए तो चेक कर लेना हमको हाइड्रोजन कूलर, एक्साइटर कूलर, एचपीसीएफ का कूलर, टर्बाइन मेन टर्बाइन का ल्यूब ऑयल कूलर, ये सभी चार्ज होने चाहिए। अगर ऑयल कूलर चार्ज नहीं होगा तो आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन इमीडिएट टेम्परेचर सूट अप करेगा और यूनिट को ट्रिप कर देगा प्रोटेक्शन में। चेक सील ऑयल पंप इन सर्विस एंड सील ऑयल डीपी 1.2 to 1.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेक कर लेना है कि सील ऑयल पंप हमारा और एक कंटिन्यू रनिंग है, सर्विस में है, सेकंड है सील ऑयल और थर्ड हमारा डीसी सील ऑयल पंप, ये ऑटो सेलेक्टेड होना चाहिए, और दोनों जनरेटर एंड टर्बाइन एंड का जो डीपी है सील ऑयल एंड रोलिंग क्राइटेरिया अचीव हो जाने के बाद टर्बाइन रोलिंग स्टार्ट करेंगे। तो टर्बाइन रोलिंग एक्टिविटीज़ में फर्स्ट स्टेप है एनश्योर क्राइटेरिया X1 एंड X2 आर सेटिस्फाइड फॉर ESB ओपनिंग। जब हम ESB ओपन करेंगे उसके पहले चेक करेंगे क्राइटेरिया X1 और X2 हमने अचीव कर लिया है, और बिफोर ओपनिंग ऑफ ESB एनश्योर HRS टेम्परेचर, HRS का जो टेम्परेचर है IP केसिंग के टेम्परेचर से 50 डिग्री मोर देन IP केसिंग टेम्परेचर होना चाहिए जिससे हम ESB को ओपन कर सकेंगे। रिसेट टर्बाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन ग्राफिक्स, टर्बाइन प्रोटेक्शन ग्राफिक्स में जाके और टर्बाइन को रिसेट करेंगे। देन टर्न ऑन EHG इनेबल फ्रॉम ESTC ग्राफिक्स पेज, ESTC का जो पेज है वहाँ से हम ESG को इनेबल करेंगे। ESG इनेबल होने के बाद में ब्रिंग स्टार्टिंग डिवाइस, जब हम स्टार्टिंग डिवाइस को जीरो पोजीशन में लेके आएंगे, जिस भी पोजीशन में है उससे जीरो पोजीशन में लेके आएंगे, तो क्या होगा? जनरेशन ऑफ स्टार्टअप ऑयल, ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल, स्टार्टअप और ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल जो जनरेट होगा वो हमारा जितना भी प्रोटेक्शन टर्बाइन प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं उनको रिसेट करेगा। देन ट्रिप ऑयल और ऑक्सिलरी ट्रिप ऑयल जनरेट होगा जो टर्बाइन को रिसेट करेगा।
अभी टर्बाइन रिसेट होगा जब हम स्टार्टिंग डिवाइस को जीरो पोजीशन में लेके आएंगे। ब्रिंग स्पीडर गियर टू जीरो पोजीशन, स्पीडर गियर को जीरो पोजीशन में रखेंगे। रेज स्टार्टिंग डिवाइस 43% एंड चेक स्टॉप वाल्व्स आर ओपन। जब स्टार्टिंग डिवाइस को जीरो पोजीशन से 43% में ओपन 43% ओपन करेंगे तो उस समय हमारा ESB HP कंट्रोल वाल्व का ESB और IV जो कि IP टर्बाइन का स्टॉप वाल्व है ओपन हो जाएगा। चेक HPCV बॉडी मेटल टेम्परेचर्स आर इंक्रीजिंग। अभी हम देखेंगे ESV के बाद स्टीम पास का स्टीम में ESV से होके और HP कंट्रोल वाल्व के लिए जाएगा तो HP कंट्रोल वाल्व का किसिंग। फर्दर रेज स्टार्टिंग डिवाइस 100% एंड स्पीडर गियर 100%। जब स्टार्टिंग डिवाइस को 100% पोजीशन लाइक एक्टिविटीज बिफोर रेजिंग द स्पीड टू 360 RPM फ्रॉम वायरिंग स्पीड। फर्स्ट एक्टिविटी है स्टार्ट सेकेंड सेट ऑफ ID एंड FD फैन। अगर सेकेंड ID और FD फैन को स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट वन पी एफ एन को स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने क्राइटेरिया पहले डिस्कस किया था कि जो FD सेकेंडरी एयर है APH आउटलेट पर उसका टेम्परेचर जब 170 आ जाएगा तो हम PFN को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर PFN स्टार्ट करेंगे कि कीप PA हेडर प्रेशर इन ऑटो। PFN स्टार्ट करने से पहले कम से कम 4 mL का जो कोल्ड एयर है उसको हम ओपन करके रख देंगे जिससे PFN का जो प्रेशर है वो नॉर्मली मेंटेन हो सके। यहाँ पर PA हेडर प्रेशर इंक्रीज ना हो एबनॉर्मल। व्हेन हॉट PA हेडर टेम्परेचर मोर देन 150 डिग्री देन स्टार्ट फर्स्ट मेल। जब हमारा हॉट PA हेडर का टेम्परेचर APH आउटलेट पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव आ जाएगा तो हम फर्स्ट मेल को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट 2 mL एंड कीप वार्म्ड अप। अब 2 mL को हम स्टार्ट करके उनको वार्म अप करेंगे। वार्म अप करेंगे मीन्स जो एयर हमारा मिक्स एयर मिल के लिए जाएगा उसमें धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। जो मिल आउटलेट टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होगा 40 डिग्री से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और जब 60-65 डिग्री आएगा उसके बाद हम इसमें फर्दर एयर फ्लो इंक्रीज करेंगे और फीडर को सर्विस में ले सकते हैं। रोल बोट TDVFP बाय ऑक्सिलरी स्टीम टू 1000 RPM। TDVFP को ऑक्सिलरी स्टीम से रोल करेंगे और 1000 RPM तक लेकर आएंगे। ओपन सुपर हीटर एंड रीहीटर टेम्परेचर आइसोलेशन वाल्व। जो सुपर हीटर और रीहीटर का टेम्परेचर है उसका मैनुअल आइसोलेशन वाल्व ओपन कर देंगे। नेक्स्ट है चेक द क्राइटेरिया X3 X4 एंड X5 आर सेटिस्फाइड। जब ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम 360 RPM देंगे और उसको कन्फर्म करेंगे। द एक्चुअल स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज बेस्ड ऑन द अवेलेबल मार्जिन। जो मार्जिन है वो TSC से जो टर्बाइन स्ट्रेस कंट्रोलर है उससे मार्जिन हमारा जनरेट होता है और मार्जिन अगर 100% है तो स्पीड का जो स्पीड है एक्सेलरेशन 600 RPM पर मिनट स्पीड रेज होगा। इसको मैंने एक DN/DT का मेरा एक वीडियो है और TSC इन दोनों में ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मार्जिन किस तरीके से मार्जिन जनरेट होता है और किस तरीके से हमारा टर्बाइन का एक्सेलरेशन DN/DT में हमको शो करता है। अगर ये 600 RPM पर मिनट शो कर रहा है मीन्स 100% मार्जिन है या 100% मार्जिन है तो हमारा ये 600 RPM पर मिनट हमारा रेज करेगा। तो मैं दोनों ही वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो आप देख सकते हैं। कीप मशीन रोलिंग ऑन 360 RPM फॉर 30-45 मिनट। जब हम 360 RPM पर टर्बाइन को रोल करेंगे तो RPM जब इंक्रीज होगा तो देखेंगे कि हमारा जब 240 RPM अचीव होता है उस समय हमारा बायरिंग वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा ऑटो में और उसके बाद में टर्बाइन को हम 30-40 मिनट रोल करेंगे। उस ड्यूरेशन में हम देखेंगे कि टर्बाइन का एसेंट्रिसिटी विद इन कंट्रोल लिमिट होना चाहिए। टर्बाइन के बियरिंग वाइब्रेशन टेम्परेचर इन सभी को मॉनिटर करेंगे, किसी में एबनॉर्मल चेंज तो नहीं है। चेक द क्राइटेरिया X6 इज सेटिस्फाइड। HP केसिंग और MS टेम्परेचर से इसको ड्रॉ किया है। X6 क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होगा तभी हम फुल स्पीड मीन्स 2950 या 2990 इस RPM को यहाँ पे सेट पॉइंट में देंगे। जब हम 2950 का RPM देंगे अकॉर्डिंगली एक्चुअल स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू अवेलेबल मार्जिन। वो मार्जिन क्या है, मार्जिन TSC से आएगा। अगर मार्जिन 100% है तो DN/DT का जो वैल्यू है 600 RPM पर मिनट से रेज करेगा मीन्स टर्बाइन का एक्सेलरेशन अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर टर्बाइन का एक्सेलरेशन DN/DT का वैल्यू 108 RPM पर मिनट से अगर डाउन आता है तो उस केस में हमारा DN/DT ऑपरेट होगा और टर्बाइन हमारा सोकिंग स्पीड में चला जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमारा प्रेशर जो है वो सफिशिएंट नहीं है टर्बाइन को रोल करने के लिए। यहाँ पर हमको बॉयलर में या तो और
गन को इंक्रीज़ करने का ज़रूरत है, गन का प्रेशर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, या मिल में फीडिंग इंक्रीज़ करने का ज़रूरत है, सो दैट हम आगे टर्बाइन को रोल कर सकें। अब जब हमारा टर्बाइन का RPM 2950 आ जाता है, तो टर्बाइन के RPM को 2990 लेकर जाएंगे और इसके बाद हम यूनिट को सिंक्रोनाइज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बाकी जो सिंक्रोनाइज करने के लिए अदर एक्टिविटी है, एक्साइटेशन ऑन करना, फील्ड ब्रेकर ऑन करना और एक्साइटेशन, इसको जब भी हम सिंक्रोनाइज करने वाले होंगे तो हमको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सिंक्रोस्कोप को देखना है और बॉयलर का प्रेशर इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, सो दैट सिंक्रोनाइज होने के बाद में हम सफिशियंट लोड को इंक्रीज़ कर सकें। जब भी हम सिंक्रोनाइज करने जाएंगे तो हमको टर्बाइन के सभी पैरामीटर, टर्बाइन बेयरिंग टेम्परेचर और टर्बाइन वाइब्रेशंस, एक्सियल शिफ्ट, इन सभी पैरामीटर को मॉनिटर करना है। इस आज मैंने ये पूरा हॉट स्टार्टअप का वीडियो एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब